दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यीशु नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। समय नाज़रेत रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। मरियम की गर्भावस्था के दौरान ही रोम राज्य की जनगणना का समय आ गया। तब नियमों के चलते यूसुफ भी अपनी पत्नी मरियम को लेकर नाम लिखवाने यरूशलेम के बैतलहम नगर को चला गया। सराय में जगह ना मिलने के कारण उन्होंने एक गौशाले में शरण ली। बैतलहम में ही मरियम के जन्म के दिन पूरे हुए और उसने एक बालक को जन्म दिया और उस बालक को कपड़े में लपेट कर घास से बनी चरनी में लिटा दिया और उसका नाम यीशु रखा। उन्होंने प्रभु के चरणों में गिरकर उनका यशोगान किया और फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई।